अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। वक्त जाया कर रहे हो अपना। अगर हम दौलत की लालच में लड़े तुम्हारे लिए तो हमारी तलवारें जंगालूद हो जाएंगी और बहादुरी खो बैठेंगे अपनी। दोस्त बन गए हो, दोस्त बन के रहो। वो तुम्हारे अंदर अर्तुरुल को तलाश करेगी, उसका झुकाव तुम्हारी तरफ पड़ता जाएगा। जल्द ही कोई कदम उठाना चाहिए तुम्हें। गुंदोग्दु भाई ने मुझे जिला वतन कर दिया, जबकि वो जानते थे कि मैं बेकसूर हूँ, मगर सिर्फ उस तूतकिन की वजह से उन्होंने मुझसे कुछ पूछने की भी जहमत नहीं की। यूं ही मुस्कुराती रहा करो। तुम उदास होती हो जब, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। अर्तुरुल भाई, क्या ये वाकई आप हैं? छू कर देखो, मुझे नहीं छूना। दमीर भाई कैसे? आइकिस की कब्र अपने हाथों से खोदी है उन्होंने। उनका आइकिस के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। देखने का अंदाज, बात करने का अंदाज सब बदल गया है।
जाओ। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है गोचाबाश, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। आपका बहुत शुक्रिया भाई। हलीमा मेरे साथ रहेगी मेरे खेमे में, और तुम और कोकचे भी मेरे साथ ही रहोगी। जैसा बेहतर समझे आप। क्या आप इसके आने वाले बच्चे के लिए परेशान है वालिदा? परेशान ना हो आप, मैं इसका हर तरह से ख्याल रखूंगी। मेरे लिए कोकचे और हलीमा दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही मेरे लिए छोटी बहनें हैं। मैं हलीमा और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी वालिदा। किसी मौजजे से कम नहीं होगा इस बच्चे का पैदा होना। चलो बेटी, अपने काम देखो जाकर। उन्होंने हमारे औरतों और बच्चों को कत्ल कर डाला। वो समझते थे कि हमारी औरतें खौफजदा हो जाएंगी। बहादुर जंगजुओं की तरह लड़ी हमारी औरतें भाई। भाई, उन जालिमों से अगर उनके जुल्म का बदला ना लिया, कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुर्कुत मेरे भाई, हम हिसाब लेंगे एक एक जुल्म का उनसे, और तब तक आराम का एक लम्हा भी हराम है हम पर। काई कबीले के साथ जो हुआ वो दूसरे तुर्क कबाइल के साथ भी हो सकता है। अगर इन जालिम दरिंदों को नहीं रोका हमने तो अनातोलिया हाथ से निकल जाएगा। हम लोग इन मंगोलों से आखिर कैसे जंग लड़ेंगे? पूरी दुनिया इनके कदमों में है। सलीबी हो या फिर मंगोल, सारी दुनिया इनके जुल्म सहते सहते बिफर चुकी है। अगर हम भी इन दरिंदों से खौफजदा हो गए और हथियार डाल दिए इनके सामने, तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा इनको। जुल्म को रोकना होगा भाई, ये हमारा मकसद हयात है। जो
जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। मजलूमों की आवाज बनेंगे तो तुर्क कहलाएंगे। आप क्या चाहते हैं हमसे भाई? आखिरी सांस तक जुल्म का मुकाबला करेंगे। इत्मीनान रखो सलजान, ठीक हूं मैं, ठीक हूं। कैसे इत्मीनान रखो गुंदोगतू, कैसे हुआ ये सब? कबीले के बाहर मंगोलों ने हमला कर दिया था। परेशान ना हो, अब ये बेहतर है सलजान खातून। अगर कुछ अबाशवा नहीं होता तो तुम आज सोग मना रहे होते। आज से कुछ अबाज भी मेरे भाइयों की तरह है, समझ गई तुम? जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती हैं जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। अगर तुम सोए या गाफिल हुए तो ये कांटा तुम्हारे गले और सीने में पेवस्त हो जाएगा। अगर जिंदा बच गए तो फिर तुम दोबारा से मेरा इतबार हासिल कर सकोगे। उसे दोबारा पकड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। उसे हम चारा डालेंगे। कैसे? एक बहुत मजबूत हथियार मौजूद है मेरे पास। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी भाई, बहुत हौसला दिया आपने मुझे, आपने मेरे कबीले को मुनज़्ज़म कर दिया। अल्लाह राजी हो आपसे। उम्मीद है कि दोनों कबीले एक साथ फले फूले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन उन मंगोलों का हमारे कबीले की हुदूद के इतना नजदीक आ जाना और मेरे भांजे पर हमला करना नाकाबिले कबूल है। क्यों तूतेकिन?
मामू जान, अगर भेड़िया आशियाने पर हमला कर सकता है तो यकीनन लोमड़ी भी घात लगाकर हमला करना जानती है। आप परेशान ना हो, आज से हर रोज दो दुर्गा और काई कबीले के जवान पहरेदारी करेंगे। सिपाहियों को अहकाम जारी कर दिए हैं बाबा, और गफलत बरतने पर सजा भी दी है। कबीले के हर फर्द पर गहरी नजर रखी जा रही है, परेशान ना हो। गलती सिर्फ एक बार होती है बेटा, और उसका बार बार दोहराना हिमाकत है। हमारे पास मजीद किसी हिमाकत की गुंजाइश नहीं बची। बहरहाल बोकलू के पीछे मुझे इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था। एक लम्हे की भी गफलत हम सबकी जिंदगियों को दांव पर लगा सकती है। काई और दुदुर्गा कबीले के सिपाही आपकी सरदारी और तूतिकिन की कमान में हमेशा मुत्तहिद रहेंगे। मरहूम अर्तुरुल के ना अहल सिपाही भी अब जा चुके हैं। शुक्र है खुदा का कि अब हमारे कबीले में कोई बुराई मौजूद नहीं। वो कहीं नहीं गया है तोलन, हमारे कयाम के खत्म होते ही वो वापस आ जाएंगे। याद रहे वो मेरी औलाद हैं, उन सब की परवरिश मैंने की है। अगर मैंने इत्तेहाद की खातिर खामोशी इख्तियार की है इस पर, तो इसका हर किसी मतलब नहीं कि मैं उन्हें फरामोश कर बैठी। बिल्कुल हायमा खानम, हमारे सारे सिपाही हमारे बेटे ही हैं, लेकिन आप लोग मेहमान नहीं हैं यहाँ। उसके सारे कबाइल एक जिस्म की तरह हैं। बाज लोग हमारे सिपाहियों को सौतेली औलाद की तरह समझते हैं। आप भी और गोकचे भी हायमा खानम की सौतेली औलाद हैं सलजान खातून, लेकिन इन्होंने आपकी परवरिश बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह की है। ना सिर्फ ये, बल्कि अपनी बहू भी बनाया है तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहती हैं। ये जान लो कि काई कबीले के सिपाहियों को भी हम औलाद ही की तरह समझते हैं। जरा रोटी देना मुझे। नौयान के इरादों पर हमें नजर रखनी होगी। अगर हमें ये मालूम न हो सका कि उसके इरादे क्या हैं, तो वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। कोनिया से आई खबरों के मुताबिक सुल्तान अलाउद्दीन ने लश्कर को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया है। सुल्तान अलाउद्दीन की फौज मौसम सर्मा के अख्तिताम से पहले यहाँ नहीं पहुंच सकती। बहुत मोहतात रहना होगा हमें, उससे पहले अनाज भी जखीरा करना होगा। मंगोलों का खौफ जंग से पहले ही हमारे दिलों में बैठ चुका है, इसलिए हम लोगों को अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। उजलत में किया गया फैसला सही नहीं होगा। नोयान पर अगर हम चढ़ाई कर दे तो? नोयान दूध पीता बच्चा नहीं, बगैर तैयारी के कोई भी कदम हमें तबाह कर सकता है। हमारी माएं, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, उनके हाथों यरगमाल बन जाएंगी। वो हमारे खेमे जलाकर राख कर देंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अकलमंदी से काम लें। सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर के आने का इंतजार करेंगे। जब आपका दुश्मन आपकी अजीज तरीन औलाद को आपके सामने मार दे और आप कुछ भी ना कर पाए, तो आपकी जिंदगी आपके लिए बोझ हो जाती है। अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में आपकी उससे मुलाकात होगी। आमीन। आज किसकी शहादत मेरे लिए बाइस शर्फ है। मैं हमेशा कहा करता था कि अल्लाह मुझे हजार बेटे अता करे और वो सब शहादत पाए। मंगोलों को हम कब शिकस्त दे पाएंगे देली दमीर? ओस कबाइल इस कड़ी आजमाइश में पूरा उतर पाएंगे? क्या कहते हैं इस बारे में आप? असल में
मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन है हमारा। आपका इशारा किस तरफ है दिली दमीर? हमारे अंदर के फितने। हाँ, फितने। और इन फितनों की आग मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। यही आग मुझे भी भड़कती नजर आ रही है, इसी का खदशा है। लेकिन कहने से कासिर हूं, अगर इस आग को हमने मिलकर ना बुझाया तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। आर्तक भाई, वो हलीमा सुल्तान। हम यहां हैं और नौयान की फौज यहां, जहां पैसेंजर के मैदान और ढलान एक दूसरे से आकर मिलते हैं। इस जानब बाकी फौज है, जार्जिया से कारसा तक और कारसा से अहलत तक, यानी दो कमानों की सूरत सुल्तान अलाउद्दीन की फौज पर हमला करने के लिए। वो इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? अगर वो इतने ही ताकतवर हैं तो हमें खत्म क्यों नहीं कर देते? ओहदे ने चीन पर दुनिया की सबसे बड़ी फौज के साथ भरपूर हमला किया और अब तक वो चीन से पूरी ताकत के साथ नबर्दाजमा है। यकीनन दूसरा महाज खोलना मुश्किल होगा। तो वो चीन को राख बनाने के बाद यहां का रुख करेंगे? तूफान आएगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा। दरिया खून से सुर्ख हो जाएंगे, पहाड़ खून उगलेंगे, खून ही खून होगा हर तरफ। हाँ, चाहे पहाड़ खोद डालें और उन पहाड़ों को जिंदान बना डालें, अल्लाह के नूर को फैलने से नहीं रोक सकेंगे। इत्मीनान रखो। तुम आप क्या सोच रहे हैं भाई? सुकून का सांस नहीं लेने देंगे उन्हें। बाहर के आने से पहले नौयान का मकरू चेहरा फना होना चाहिए। इससे पहले कि उसे कुमक पहुंचे, उसे खत्म करना होगा हमें। सरदार और आपके भाई सुंगुर तकिन, अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि यह बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हों यह बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई, जी भाई। अगर यह बात सच हुई, जो सुना है वो सच हुआ अगर, और मेरे भाई ने वाकई ओहदे की ताबेदारी को कबूल किया है, तो उसकी गर्दन उड़ाऊंगा मैं, वरना बाबा की रूह को चैन नहीं आएगा। जल्दी कुएं से ठंडा पानी लाओ, बुखार की शिद्दत को जल्द अज जल्द कम करना होगा। कोई तश्वीश की बात है अर्तुक? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बच्चे की जान को तो खतरा है ही, इसके साथ साथ मां को भी खतरा है। कितने इम्तिहान देने होंगे। हाँ।
या रब, तू ही हमें इन मुश्किलात से निकालने वाला है मेरे मालिक। हिम्मत और हौसला अता कर हमें। पहले मेरा सुंगुर तकिन बिछड़ गया, उसके बाद मेरे शौहर सुलेमान जन्नत की तरफ चले गए, और ना जाने कब अर्तुरुल को खो बैठी मैं। और अब मैं आखिरी उम्मीद अपने पोते को खोने की हिम्मत नहीं रखती। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं शुक्र है भाई कि आप उस जहन्नुम से बाहर निकल आए। मौत को भी हरा दिया आपने। हाँ, ईमान है मेरा कि मौत का वक्त मुकर्रर होता है। मौत तो खुद जिंदगी की मुहाफिज है। ये हिरनी का दूध पी लेना जवान, तुम्हारे जख्मों के लिए अक्सीर है। तुमने जिंदगी बचाई मेरी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कर्ज रहेगा तुम्हारा मुझ पर। ये उस रब की जात है जो सब करती है, देखती है और हमें दिखाती है, जो जिला बख्शती है और फना भी कर डालती है। वो हम इंसान तो बस उसके इताअत गुजार हैं। बिल्कुल ठीक कहा, जल्द तुमसे मुलाकात के लिए आऊंगा। आओ जवानों चले। की औरतों की महारत के बारे में मैंने बहुत सुना था। आज तुम्हारे हाथों का करिश्मा देख भी लिया अपनी आंखों से। लेकिन तुम्हें इस तरह अफसुर्दा देखकर मुझे बहुत दुख होता है गुगजे। बहुत दर्द सहा है हम लोगों ने, अब तो जिंदगी भी एक सजा मालूम होती है तुलन खातून। मेरी बेटी की तरह हो तुम, तुम्हें ऐसे गमों के अंधेरे में डूबने नहीं दे सकती मैं। तुम हसीन हो, जवान हो, जो भी तुम्हें एक बार देख ले नजर हटाना भूल जाए। लेकिन सुलेमान शाह की बेटी होने के नाते कोई भी तुमसे बात करने की जुर्रत नहीं कर पाता। ऐसे कब तक बैठी रहोगी तुम? जल्द ही तूतेकिन और गुंदोगदू को अर्ज़े रूम जाना है। तुम उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? वहां घूमना फिरना, नए लोगों से मुलाकात करना, अपने लिए नए लिबास खरीदना, क्या ख्याल है तुम्हारा? सुना है कि बिजंतीनी खवातीन हमारा छापे वाला कपड़ा और लिबास बहुत शौक से पहनती हैं। कारवा के कारवा कोनिया और अर्जरूम से आते हैं वहां तिजारत करने के लिए। हम क्या कम है बिजंतीनी खवातीन से? ठीक कहा ना मैंने?
तू तकिन भाई आस्तीने देखना चाहते हैं आयतोलन खातून। ठीक है तुम जाओ, गोकचे लेकर आती है भी। चलो जाओ गोकची, जाकर ये आस्तीने तोते किन को दिखाओ, देखते हैं वो क्या कहता है। बहुत बेहतर। तुम्हें समझाया था ना कि ये औरत बहुत खतरनाक है, दूर रहो इससे। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो गोगची? सच कहूं तो आज तक आपसे ज्यादा खतरनाक औरत नहीं देखी मैंने बाजी। लेकिन जैसा आपने कहा, अगर वो वैसी है भी तो आप बेफिक्र हो जाएं। आदत है मुझे, अपने काम से काम रखें आप। सरदार, आप मेरी बनाई हुई आस्तीनें देखना चाहते थे? बहुत खूब, बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं चाहता था। पता नहीं तुम्हारी ये नाजुक उंगलियां किस तरह ये सब बना लेती हैं। आपको ख्वातीन के साथ मिलकर 500 जोड़े आस्तीन के तैयार करने होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी। दुमरुल, आज से तुम मेरे जाती सिपाही हो। अगर हवा भी चले तो उसकी खबर मुझे दोगे तुम। जो हुक्म आपका। गुंदोग दू बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे कुछ बात करनी है अगर इजाजत हो तो। कहिए आप, आपको इजाजत की जरूरत नहीं। तू तकिन हमारे सिपाहियों से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन मुझे इस बारे में तशवीश है। खैरियत है? काई कबीले के सिपाही तू तकिन की ताबेदारी नहीं करना चाहते, उनके लिए नाकाबिले कबूल है। इसमें ऐसा क्या है जो नाकाबिले कबूल है उनके लिए? अर्थुरुल के सिपाहियों के साथ जो कुछ हुआ है बेटा, उन्हें नागवार गुजरा है, और जो कुछ भी हमजा और अब्दुल रहमान के साथ हुआ, वो इन सब नाइंसाफियों की वजह से बहुत मायूस है। दिली दमीर, काई कबीले का मकसद इसके अलावा क्या हो सकता है कि अपने लोगों को आपस में मुत्तहिद किया जाए? याद रखो, इसके बरक्स अगर कुछ किया तो ये जमीन हमारे लिए तंग हो जाएगी। सबको तस्लीम करनी होगी ये बात। वैसे भी यहां आने की हामी आप लोगों ने भरी थी, मैंने नहीं।
मेरे अल्फाज चाहे तो कंदा कर लीजिए ताकि ये अल्फाज महफूज हो जाएं और कोई ना मिटा सके इन्हें। साथ देना होगा आपको, सिपाहियों को दिखाइए कि तू तक इनके साथ हैं आप, वक्त के साथ संभल जाएंगे वो, यकीन है मुझे कि वो आपकी बात रखेंगे। जो आपकी मर्जी, मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। ठीक है, क्या बात है भाई, कोई अहम मसला है क्या? कुछ नहीं तूतकिन, कुछ नहीं। सच है वल्ला, हक है अल्लाह, सच है वल्ला, हक है अल्लाह, सच है वल्ला। वक्त आ गया दिली दमीर, आखिरी सांस तक मैं आपके साथ हूं मेरे सरदार। हक है अल्लाह। हां मेरे भाई, बिल्कुल सुलेमान शाह। दोनों कबाइल का मिलाप ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमारी औलाद आपस में ही झगड़ रही है, बहुत अफसोस है। अब क्या होगा? काई कबीले के जवान, आपके हुक्म के मुंतजर हैं सरदार। बहुत शुक्रिया। काई और दो दुर्गा कबीले के बहादुर सिपाहियों, हमारा एक खून है और हमारी एक रिवायत। अब एक हो चुके हैं हम, दुश्मन भी एक है हमारा, और हमारे बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक दोनों कबीले के जाबाजों की कमान मैं संभालूंगा। वक्त आ गया है कि मुत्तहिद होकर सिर्फ एक सरदार की अताअत की जाए, और तमाम जाबाज ये सुन लें कि छोटी सी भी गलती हुई किसी भी जानिब से तो काबिले सजा तसव्वुर की जाएगी और किसी पर कोई रहम नहीं किया जाएगा।
मुश्किल को शिकस्त दे सकता है मेरा भाई। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सिपाहियों को मुख्तलिफ इल्जामात की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। मैं चाहता हूं कि जिरगा दोबारा बैठे और जायजा ले इल्जामात का। जब तक फैसला नहीं होता तब तक मेरे सिपाही मेरी हिफाजत में मेरी कमान में रहेंगे। किसी को अगर एतराज है तो वो सामने आए। फैसले के आने तक किसी ने मेरे सिपाहियों को नुकसान पहुंचाने का सोचा तो उस शख्स का सामना मुझसे होगा। मुझे यकीन है समझ गए हैं सब। वालिदा, कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं मेरे बेटे। मामू जान, आपको तो एतराज नहीं? नहीं बेटा। जब तुमने इनकी कमान की जिम्मेदारी ले ली है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आराम करो जाकर। आपकी दुआओं ने बचा लिया। मां तुम पे कुर्बान हो जाए। मेरा बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। खुश आमदीद भांजे। शुक्रिया मामू जान। हलीमा सुल्तान नजर नहीं आ रही। कहां है हलीमा? मोहताब में। Thank you.
मुबारक हो वालिदा, हमारा अर्तुरुल वापस आ गया। बहुत शुक्र है अल्लाह का, तुम्हें भी मुबारक हो मेरी बच्ची। बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो कि बाबा की तरफ से दी गई जिम्मेदारी मैंने तूतकिन के हवाले कर दी? क्या तुम मुझे कसूरवार समझते हो उस बात का? सर्द मौसम गुजरने दे, आप भी बेहतर हो जाएंगे उसके बाद। उसके बाद कुछ नहीं हलीमा सुल्तान, हर दिन हर लम्हा कीमती है, मौसम का इंतजार कैसे करूं? मेरे मेहमान खाने में खुश आमदीद मुहाफिज हमजा। कब तक ठीक हो जाएगा ये? मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा अर्तुरुल, खदशा है कि दोबारा तुम इस हाथ से तलवार नहीं उठा सकोगे। ये